हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों देखेंगे कि हम छात्रवृत्ति फॉर्म में जो आपका जो ऑप्शन आता है दिवा छात्र, या जो आता है उसमें ऑप्शन आवासीय छात्र का, तो वहां पर हम लोग क्या फिल करेंगे। ओके, तो बहुत से लोगों को दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि हमें वहाँ पर क्या फिल करना है। ओके, तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ओके, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेना है साइट पे, तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है टॉप पे, और यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित करें। ओके, अगर आपने रॉन्ग फिल कर दिया है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आवेदन पत्र को संशोधित करें। दोस्तों, अभी साइट में यहाँ पर ये ओपन हो चुका है साइट। ओके, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन, शैक्षणिक, निजी, ये सब ऑप्शन फिल मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर शैक्षणिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो शैक्षणिक पे जब क्लिक कर लेंगे आप, तो यहाँ पर आपका शो करेगा डिटेल्स। ये देखिए, यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा आवासीय दीवा छात्र, आवासीय छात्र या दीवा छात्र, ये शो कर रहा है। तो दीवा छात्र दोस्तों वो लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप जैसे घर से आ रहे हो अपने, ओके, घर से जाते हो कॉलेज, और जैसे आप मतलब वहाँ पर हॉस्टल लेके नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर इस स्थिति में आपको यहाँ पर दीवा छात्र सेलेक्ट करना है। ओके, अगर आप मान लीजिए जैसे कॉलेज का आप कॉलेज में हॉस्टल लिए हुए हैं, तो वहाँ पर आपको आवासीय छात्र सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये कन्फ्यूज़न आप लोग दोस्तों इसको यहाँ से समझ लीजिएगा कि आपको दीवा छात्र कहाँ सेलेक्ट करना है और आवासीय छात्र कब सेलेक्ट करना है। तो इसको दोस्तों ध्यान से भरिएगा। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तो यहाँ पर आप दीवा छात्र तभी भरेंगे जब आप घर से जाते हो कॉलेज, मान लीजिए आपने हॉस्टल नहीं लिया है। ओके, तो वहाँ पर आप दीवा छात्र सेलेक्ट करेंगे, और दूसरी स्थिति में आप आवासीय छात्र सेलेक्ट करेंगे जब आप वहाँ पर कॉलेज में हॉस्टल लिए हुए हैं, तो वहाँ पर आवासीय छात्र सेलेक्ट करेंगे।